तो दोस्तों अगर आप कभी जाने अनजाने में ऐसा डेटा डिलीट हो चुका है जैसे कि फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, या फिर दोस्तों अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट एल्बम्स हो या फिर दोस्तों ब्लॉग्स के वीडियोस हो एंड दोस्तों कितना भी पुराना डेटा हो, अगर आपसे अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से डिलीट हो चुका है एवं दोस्तों अगर आप एक विंडोज डिवाइस के यूजर से या फिर मैक डिवाइस के यूजर से एंड अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो चुका है तो काफ़ी ईजिली उसको रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना कितना भी पुराना डेटा, डिलीटेड डेटा उसको रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो करप्टेड डेटा हो या दोस्तों एक्सीडेंटली या फिर परमानेंटली डिलीटेड डेटा को आप यहाँ पर इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर वॉच कीजिए क्योंकि दोस्तों सारा जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका भी डेटा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से डिलीट हो चुका है वो भी रिसाइकल बिन से, सो काफी आसानी से उसको रिकवर कर सकते हैं। एंड रिकवर करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर टूल चाहिए जिसका नाम है प्रीमियर 4DDIG विंडोज डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, जो कि विंडोज एंड मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड दोस्तों किसी भी टाइप का स्टोरेज टाइप हो, एनी टाइप ऑफ स्टोरेज उसको रिकवर कर सकते हैं एंड 2000 प्लस फाइल्स को ये सपोर्ट करता है। तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए एंड ऑनलाइन इंस्टॉलर की मदद से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए एंड इंस्टॉल करने के बाद लॉन्च कीजिए एंड ओपन होने के बाद सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। इसमें लोकल डिस्क, हार्ड डिस्क एंड जो भी SSD के फोल्डर्स है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों सिस्टम रिजर्व का भी स्टोरेज मिल जाता है, अगर आपको सिस्टम से कुछ रिकवर करना है उसका भी आपको डेडिकेटेड फंक्शन मिल जाता है। बाकी दोस्तों डेस्कटॉप है, रिसाइकल बिन एंड आपको सेपरेट फोल्डर मिल जाता है, मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर फोल्डर को टारगेट करके स्कैन करना है तो उसका भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को ही रिकवर करना है, मतलब एक्यूरेट फाइल को फाइंड करना है, सो भी फीचर आपको मिल जाता है, मतलब कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, जिस फाइल को रिकवर करना है उसको जस्ट सर्च कीजिए एंड सर्च करने के बाद उसी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्रैश कंप्यूटर है, उस क्रैश कंप्यूटर से भी डाटा को रिकवर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी फोटोज है, वीडियोज है, जैसे कि वो करप्टेड हो चुका है, तो उसको काफी आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लाइव डेमो दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक स्टोरेज है, सो SSD का जो स्टोरेज उसमें एक फोल्डर है जिसका नाम है माय पर्सनल डेटा। सो इस माय पर्सनल डेटा में काफी सारे फोटोज है, वीडियोज है, डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है। सो लाइव में आपके सामने सारे के सारे फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ एंड डिलीट करने के बाद आपको पता है कि सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाता है, तो रिसाइकल बिन से भी मैं इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने वाला हूँ। एंड परमानेंटली डिलीट करने के बाद आपको पता है कि यार रिकवर करना मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर से हम क्या करने वाले, इसको रिकवर करने वाले है। तो सिंपली सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको कौन कौन सा यहाँ पे मीडिया को रिकवर करना है, तो मैंने यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट किया है क्योंकि यार मुझे सारे के सारे फाइल को रिकवर करना है। तो स्कैन ऑल फाइल टाइप के ऊपर क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड हमको यहाँ पे 100% स्कैनिंग होने तक वेट करना है। तो यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है एंड स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा जो डेटा है 51GB का डेटा यहाँ पे रिकवर हो चुका है। वैसे दोस्तों पूरा डिपेंड करता है कि आपके पास कितना डेटा है। सो यहाँ पे सारा का सारा डेटा रिकवर होने के बाद हमको जाना है रिसाइकल बिन के सेक्शन में एंड हमारा जो फोल्डर का नेम था माय पर्सनल डेटा उसके ऊपर क्लिक करना है। सो माय पर्सनल डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद सारा का सारा डेटा यहाँ पे काफी इजीली रिकवर हो चुका है। एंड दोस्तों जो फाइल्स है, फोटोज है, वीडियोज है, सारा का सारा जो डेटा है ओरिजिनल यहाँ पे HD क्वालिटी में रिकवर हो चुका है। सो क्लिक करने के बाद जो साइज देख सकते हैं काफी ओरिजिनल साइज में रिकवर हो चुका है एंड यहाँ पे जो रिकवर डेटा की क्वालिटी ओरिजिनल क्वालिटी है, मतलब कि HD क्वालिटी में रिकवर हो चुका है। सो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो वीडियो एंड फोटो की क्वालिटी है ओरिजिनल क्वालिटी में रिकवर हो चुका है। सो जो भी हमारा डेटा डिलीट हो गया था, सारा का सारा डेटा को मैंने सिलेक्ट किया है एंड सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको रिकवर के ऊपर क्लिक करना है एंड रिकवर के ऊपर क्लिक करने के बाद आउटपुट फोल्डर, मतलब जो भी डेस्टिनेशन फोल्डर है उसको सिलेक्ट कीजिए। सो मैं सिंपल हमारा जो SSD का फोल्डर है, फोल्डर F, तो उसमें क्या कर लेता हूँ, फोल्डर को सेव कर लेता हूँ रिकवरी डेटा। सो रिकवरी डेटा का मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया है एंड सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमको यहाँ पे रिकवर करना है। सो आप देख सकते हैं काफी इजिली एंड काफी क्विकली यहाँ पे डेटा रिकवर हो चुका है एंड सारा का सारा A to Z यहाँ पे डेटा रिकवर हो चुका है। सो जैसे कि मैंने माई कंप्यूटर में जो SSD था, F फोल्डर था, F फोल्डर में मैंने रिकवरी डेटा का फोल्डर में सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे रिकवरी डेटा में जाएंगे एंड रिकवरी डेटा में जाने के बाद माई पर्सनल डेटा जो फोल्डर था, सारा का सारा फोल्डर टोटली यहाँ पे रिकवर हो चुका है। एंड क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो A to Z ओरिजिनल यहाँ पे HD क्वालिटी रिकवर हो चुकी है। तो इस मेथड से आप किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से काफी इजीली किसी भी टाइप का डेटा रिकवर कर सकते हैं एंड विंडोज एंड मैक दोनों के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो इसका जो डाउनलोड लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, सो जल्दी से विजिट कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। एंड दोस्तों अगर आपके सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए
परचेस करना है तो तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। मंथली पैक यहाँ पे $45 में मिलता है, ईयरली पैक आपको $59 में मिल जाता है, एंड लाइफ टाइम के लिए परचेस करना है तो सिर्फ $79 में परचेस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों कार्निवल सेल चालू, आपको 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे कूपन कोड भी मिल जाता है, सो कूपन कोड अप्लाई कीजिए एंड 30% डिस्काउंट भी ले लीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।